नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़, जो आप लोगों को एक बड़ी खबर से रूबरू कराता है। सीरी जिले में जो हमारे पुलिस कप्तान हैं, उनका नाम है पंकज कुमावत, और इस नाम से आप सभी परिचित हैं। इसको शायद कोई ही ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जानने वाला वो इंसान है जो क्राइम करता है, जो दारू या गांजा या कोरेक्स बेचता हो, उनको पुलिस का नाम अच्छी तरीके से पता होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद वो कहते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जब से यहां पर पुलिस कप्तान पंकज कुमावत जब से आए हैं, तो लोगों का ये कहना है कि गांजा और दारू या फिर कोरेक्स जो है कहीं भी नहीं बिकता। लेकिन आए दिन बड़ी बड़ी खबरें आने लगी, जो बड़े बड़े गांजा तस्कर आप लोगों के सामने आते हैं। उसी के साथ मैं एक वीडियो जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, वो क्लिप जो बता दूं कि अब घर घर कोरेक्स डिलीवरी होने लगी है, वो भी छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। पहले तो ये वीडियो देखिए आप। पन्नी कोरेक्स बेचवे थोड़ा पा दे, हाँ दिखा बहो पन्नी, हाँ कोरेक्स बेचा थे, दिखा बहो पूरा खोल के दिखा बहो, हाँ केकर आई हो बतावा, केकर आई दिखा बहो पूरा, कैसे है 25 छे विनोद देखा है भाई तुम्हारे बाद के करा बेचे थे चलते हैं। अब बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बाहरी क्षेत्र का है, जो आप लोगों को बता दूँ कि अब जो है छोटे छोटे बच्चे पॉलीथीन में भर के अब जो है कोरेक्स घर घर पहुँचाने लगे हैं। बल्कि अगर कोई पकड़ ले, अगर वीडियो बना ले, तो उसको जेल डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा, क्योंकि उसने पकड़ लिया है। क्या पुलिस का काम है तुमने क्यों पकड़ा, ये भी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि बड़ी बड़ी जो बातें हुआ करती थी, वो आखिर में धूमिल क्यों हो रही हैं? कोरेक्स घर घर तक आखिर में पहुंचता कैसे है, इसकी जड़ कौन है, किसका धंधा है यहाँ पर, कैसे जड़ इसकी खत्म नहीं हो पा रही, इतनी बड़ी पुलिस की टीम होने के बावजूद भी इतना बड़ा कैसे घोटाला हो रहा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो रहा कि छोटे छोटे बच्चे कोरेक्स बेचने लगे? क्या उनके घर में परिवार नहीं, परिजन नहीं? लेकिन देखा यह जाता है कि सभी चीजें चोरी से होती हैं, लेकिन पुलिस की निगरानी में कहीं ना कहीं जरूर होती है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि ये जो धंधा है कोरेक्स का, हर चौकी पे जब गाड़ी लगी हुई है, हर चौकी, हर एक पुलिस स्टेशन है, तो आखिर में वो मैन सिटी तक या ग्रामीण क्षेत्र तक घर घर कोरेक्स कैसे मिलने लगा, कैसे कोरेक्स जो है होम डिलीवरी हो रहा है? अब ये देखना होगा कि क्या आपको लगता है कि ये कोरेक्स बंद होगा, क्या ये वीडियो की जांच हो पाएगी कि ये वीडियो किसकी है? इतना तो मैं बता दिया कि बाहरी क्षेत्र का है, लेकिन ये जांच पड़ताल करना पुलिस का काम है कि आखिर में कौन है और इसके साथ क्या होता है, क्या ये गिरफ्त में आएगा, क्या इसका जो जड़ है वो गिरफ्त में आएगा, या बच्चों को ही बेड़कर चार डंडे मारकर इनको बंद किया जाएगा? आखिर में आपको क्या लगता है कि क्या ये बच्चे इतने बड़े तस्कर हैं, क्या ये बच्चे जो है कोरेक्स बेचते हैं? नहीं, इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोरेक्स का जो धंधा हो रहा है, ये छोटा मोटा नहीं, बल्कि ये वो जहर है, वो नशा है जो शरीर में जाने के बाद नसों में दौड़ता है, जिसके कारण जो आपके बच्चे हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो बिल्कुल उनकी बॉडी इतनी खत्म हो जाती है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसी कोरेक्स के कारण लोग जब नसों में डूब जाते हैं, जब नशीले हो जाते हैं, तो उनको बच्चियां दिखाई देते हैं जिनके साथ दुष्कर्म होता है। लेकिन क्या ये जड़ से खत्म हो पाएगा? नहीं, क्योंकि इस पे देखा यह जा रहा कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी ढिलाई है। अगर होता तो सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दूं कि यह मुमकिन नहीं है कि अब जो है कोरेक्स जैसे सिरप जो है, आप लोगों को बता दूं कि ये अब गली गली में नहीं, बल्कि होम डिलीवरी जंगलों में, घरों में होने लगा है। देखने को जो ये मिला, आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो वारदात है ये बाहरी क्षेत्र का है, पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पे पुलिस क्या करती है। जल्द मिलता हूं इसकी अपडेट के साथ। धन्यवाद, अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, जुड़े रहिए ऐसे खास खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।